हेलो एवरीवन। तो आज हम एलजेब्रा की वो टाइप करने जा रहे हैं जिसमें हमें जो गिवन इक्वेशंस होती हैं और जो फाइंड आउट करना होता है उसके अकॉर्डिंग किसी ना किसी वेरिएबल से हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या कुछ ना कुछ ऐड करना है या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैंने एक असाइनमेंट बनाया और उस असाइनमेंट में से मैं आपसे 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। ठीक है जी? तो जिसको असाइनमेंट नहीं मिला वो इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर देना, 9034064864, 9034064864, किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं मिला। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, पहली स्टेटमेंट, इफ एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स, हमें एक्स स्क्वायर प्लस टू टू एक्स के बराबर दिया हुआ है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की फोर्थ पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार, क्वेश्चन के अंदर एक्स की फोर्थ पावर भी आ रही है और क्यूब भी आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है ना, तो क्यों ना ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स। एक काम करते हैं, इसको एक्स से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से। तो जब आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स। दोनों तरफ एक्स से किया, ध्यान रखना, दोनों तरफ किससे किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया इस टू एक्स स्क्वायर। तो किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। तो पहले वाली जो गिवन इक्वेशन है उसको मैंने फर्स्ट मान लिया, जो नई इक्वेशन आई है एक्स से मल्टीप्लाई करके उसको मैंने सेकेंड मान लिया, अभी तो फोर्थ पावर तक लेके जाना है। तो एक काम करता हूं, मैं एक्स से और मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब मैंने एक्स से और मल्टीप्लाई किया तो एक्स की फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने एक्स से और मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो एक्स क्यूब एक्स फोर बन जाएगा, एक्स की पावर फोर बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारा राइट हैंड साइड में टू एक्स स्क्वायर है, एक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, टू एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन मान लो। अब क्या करना है, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखो, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो तीनों को ऐड करने पे एक्स की पावर फोर आ गया, ठीक है, आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर, मैं इधर लिख रहा हूं पूरा प्रॉपर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर, फिर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का मैटर है। और राइट हैंड साइड का मैटर क्या है, ये वाला टू एक्स फर्स्ट में जो है, सेकेंड में क्या है, टू एक्स स्क्वायर है, और थर्ड में क्या है बेटा, टू एक्स क्यूब है। आओ अब इसको और सॉर्ट आउट करते हैं। आपको अगर मैं ध्यान से देखूं, x की पावर 4 नजर आ रहा है, पहले मैक्सिमम पावर मैंने पहले ही लिख ली, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको x क्यूब नजर आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको x क्यूब नजर आ रहा है प्लस का, और राइट हैंड साइड में हमें प्लस का 2x क्यूब नजर आ रहा है। तो जब ये प्लस का 2x क्यूब उधर आएगा प्लस के x क्यूब के पास, तो नेगेटिव होके आएगा, लॉजिकली ये 2x क्यूब जब इस प्लस एक्स क्यूब के पास जाएगा तो माइनस 2x क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब प्लस का और माइनस 2x क्यूब नेगेटिव का, तो माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स क्यूब की पावर के बाद अब हम एक्स स्क्वायर की पावर की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर एक पड़ा हुआ है, एक ये वाला 2x स्क्वायर पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, और उधर से एक 2x स्क्वायर माइनस होके आएगा, है ना। और क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, देखिए, एक हमारे पास पड़ा हुआ है ये प्लस का टू, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बस एक हमारे पास क्या पड़ा हुआ बेटा, प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, सारा मैटर हम उधर ले गए, ठीक है ना। और कुछ रह गया, एक आप ये कर सकते हो, ये जो प्लस का टू एक्स और ये दोनों तरफ प्लस का टू एक्स है ना, काट दो, तो टू एक्स वाली टर्म दोनों तरफ से कट के खत्म हो गई। बोलो यहां तक आ गया समझ, अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आइए, फाइनल क्या रह गया, आप हमारे पास देखो, फाइनल जो रह गया, मैं किसी और कलर में लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। फाइनली जो हमारे पास रह गया, हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान रखना, फाइनली जो रह गया एक्स की पावर फोर, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब कितना रह गया, माइनस का एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कितना रह गया, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन माइनस टू एक्स स्क्वायर भी है, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक हमारे पास क्या रह गया बेटा, प्लस का टू रह गया, और तो कुछ नहीं रह गया, इज इक्वल टू जीरो।
अब ध्यान से देखो, हमें यही प्रूव करना था, एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, जो फाइनली हमारे पास जीरो आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो जीरो है। ठीक है, बोलो आ गया समझ अच्छे से। आइए सेकंड क्वेश्चन में, ए की पावर फोर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू जीरो दी हुई है और हमें ए की 15 प्लस ए की 10 प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो अगर आप लॉजिकली सोचे, ए की 15 ए की फिफ्थ पावर के थ्रू बन सकता है ना, 5 की 3, और ए की 10 भी ए की फिफ्थ पावर से बन सकता है। तो लॉजिकली अगर ए की 5 की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा ये क्वेश्चन इजिली हो सकता है। तो जो गिवन है, गिवन क्या है ये, मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पे, गिवन है ये, अगर मैं इसको जो गिवन है उसको ए से और मल्टीप्लाई कर दूं, पहले मैं जो गिवन है ना वो लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गिवन ये है, इसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे को, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ए से। तो ए की 5 प्लस ए की 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, जो गिवन था उसको मैंने फर्स्ट मान लिया, जो नई इक्वेशन आई ए से मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जीरो के बराबर है, तो या तो दोनों को इक्वेट कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो सब मैटर कट जाएगा, समझ गए मेरी बात, या सेकंड में से वन को माइनस कर दो, बात वही है दोनों से। अगर आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो ए फोर भी कट जाएगा, देखो ए फोर में से ये ए फोर माइनस होके कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए क्यूब में से ये ए क्यूब भी, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हो, ए स्क्वायर में से ये ए से ए भी कट जाएगा, तो फाइनली ए की पावर 5 ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन माइनस हुई है ना, ए की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ए की पावर 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। या तो सेकंड माइनस 1 कर लो या सेकंड और 1 को इक्वेट कर लो, क्योंकि दोनों ही जीरो के बराबर है। तो ए की पावर 5 1 प्रूव हो गया। अब पूछा क्या हुआ, बड़ा सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। अब पूछा हुआ ए की 15 प्लस ए की 10 प्लस 1 की वैल्यू, तो हो गया ना आसान, ए की 5 की वैल्यू क्या आई है 1, ए की 5 की 3 प्लस ए की 5 की 2 प्लस 1, ए की 5 की वैल्यू 1 आई है, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1, तो ये 3 आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 3 हो गया। तो मैं इसको भी रब कर रहा हूं, अगर किसी ने देखना हो तो रिवाइंड करके देख लेना। अब मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। दिया क्या हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या कर सकते हो, जितने ही मैंने क्वेश्चन कराया ना उसके करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मैं उनमें से सबसे आसान तरीके करा रहा हूं, मैंने हर एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से सॉल्व किया हुआ है खुद से, आप भी ट्राई करना, आप जितने तरीके लगाओगे उतने फंडे क्लियर होंगे, ठीक है। अब ये हमें दिया हुआ है और निकालना क्या है, ए की 5 प्लस ए की 4 प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैं डिवाइड बाय ए बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दिया, तो ए स्क्वायर बाय ए क्या होगा, बोलो ए होगा, और इस ए को जब ए से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और इस 1 को जब ए से डिवाइड करोगे तो 1 बाय ए हो जाएगा, और इस 0 को ए से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ए प्लस 1 बाय ए माइनस 1 हो गया। अब अगर आप किसी बच्चे को याद हो, मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा इसी क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे एक आइडेंटिटी है, काफी सारी 6 आइडेंटिटी है, उसमें मैंने तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे ये प्रूव कर रखा है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स अगर माइनस 1 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 होता है, वो आप देख लेना, मैंने प्रूव कर रखा है, मैं उसको यहां पे प्रूव नहीं कर रहा, वहां पे देख लेना वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक डालूंगा उसकी फोर्थ आइडेंटिटी यही है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स अगर माइनस 1 है तो एक्स क्यूब क्या होता है प्लस 1, तो ए क्यूब की वैल्यू प्रूव होगी यहां से प्लस का 1, ठीक है, मैंने ये प्रूव कर रखा है। अब ए क्यूब 1 हो गया, निकालना क्या है, ए की 5 प्लस ए की 4 प्लस 1, अब ए क्यूब की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो ए की 5 को ए की 6 ओवर ए लिख लो, ए की 4 को ए इंटू ए क्यूब लिख लो प्लस 1, ए की 6 क्या हुआ, अगर ए की क्यूब 1 है तो ए की 6 तो ए की क्यूब का स्क्वायर हुआ ना, समझे, मैं पूरा लिख दूं, ये लो ए के क्यूब का स्क्वायर अपॉन ए और ए इंटू ए क्यूब, समझे, प्लस 1, अब ए की क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन ए, तो 1 बाय ए, अब ए की क्यूब 1 है तो 1 इंटू ए
ए प्लस वन, और ए प्लस वन बाय ए, देखो ए प्लस वन बाय ए हमें, हमने क्या प्रूव किया अभी अभी, माइनस वन, ये रहा ए प्लस वन बाय माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन तो कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, जीरो। तो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या आया हमारा, जीरो आ गया। ठीक है जी, तो ये तीन क्वेश्चन मैंने किए हैं, तो ऐसे जो मैंने क्वेश्चन का असाइनमेंट बना रखा तो आप मेरे से ले लेना, मैंने जो शुरू में नंबर दिया, ठीक है जी, तो आप वो सारे क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बाय।